देश के सबसे अमीर बिजनेसमैनों की लिस्ट देखी जाएगी तो इस लिस्ट में गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी का नाम जरूर आएगा। ये लोग हर मिनट नहीं बल्कि हर पल पैसा बना रहे हैं। आए दिन आप लोग देखते और सुनते होंगे कि ये उद्योगपति हर घंटे इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि इतना पैसा आ रहा है तो कई लोगों को ये बात पचेगी भी नहीं। अगर हम कहें कि देश के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में शुमार मुकेश अंबानी को किसी अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है तो आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक है। जनाब, बात ही कुछ ऐसी है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि 27 अक्टूबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पुलिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की कंपनी की ईमेल आईडी पर एक अज्ञात शख्स ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। अब ईमेल में क्या लिखा था ये भी जान लीजिए। ईमेल में लिखा था, इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीस वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। यानी शख्स ने ईमेल पर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। 20 करोड़ रुपए नहीं देने के एवज में शख्स ने लिखा है कि वह मुकेश अंबानी को जान से मार देगा। शख्स ने ईमेल में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके पास सबसे अच्छे शार्प शूटर्स हैं। इस ईमेल के मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गाम देवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 10 जनवरी 2023 को मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बताया था कि स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे एक कॉल आई। फोन करने वाले ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। इसके बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। पिछले साल यानी 6 अक्टूबर 2022 को भी एक व्यक्ति को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान 30 साल के राकेश कुमार मिश्रा के रूप में हुई थी। 5 अक्टूबर 2022 को आरोपी शख्स ने रिलायंस फाउंडेशन के एक हॉस्पिटल में कॉल करके अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पूरे हॉस्पिटल को ही बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी युवक बेरोजगार है। और तो और, 2 साल पहले भी यानी फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक SUV बरामद की गई थी, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। इस केस में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे का नाम भी आया था। अभी NIA इस केस की जांच कर रही है। अब मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात हो रही है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैसे होती है मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अंबानी की सिक्योरिटी में शामिल हर जवान मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में माहिर होता है। सिक्योरिटी में तैनात CRPF कमांडो फोर्स में हथियार बंद गार्ड्स, साथ में चलने वाले गार्ड्स, ड्राइवर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और तलाशी लेने वाली टीम शामिल होती है। 2 कमांडो 2 शिफ्ट में काम करते हैं और ये CRPF के एक इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी के सुपरविजन में काम करते हैं। ये जवान अंबानी के घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर भी नजर बनाए रखते हैं। अंबानी के घर के आसपास का पूरा इलाका हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे से कवर होता है। खैर, देखना होगा कि इस मामले में क्या नया अपडेट आता है। इस न्यूज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो बिस्तर आपको सबसे पहले खबर पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।